Now next one, इस session में जैसे discuss करेंगे interesting property about Realloc function. जैसा कि मैंने previous session में आपको explain किया था, Realloc function के through कभी भी directly new block create करना possible नहीं. Realloc function के through existing block का size या तो increase करना possible या फिर decrease करना possible. One more thing, Realloc के through केलो उसी block के size को change करना possible जो कि आपने या तो malloc का use करके allocate करा या फिर Realloc का या फिर calloc का use करके allocate करा है. For example, suppose that like that, अगर आपके पास कोई particular case है, int star, sorry, some variable as int x equals to 10, clear, then, एक मैंने pointer create किया, int star p, then p equals to, we are using typecasting into int star, काफी interesting case है भी, then इस case में जस्ट call कराया realloc function, इस case में जब ये program execute होगा तो initially, two variables create होंगे, variable x and variable p. x की बात करें तो x इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, x का एड्रेस क्या हुआ इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर जस्ट 2 बाइट्स. इस केस में जस्ट एक लोकेशन क्रिएट हुआ x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिक्लेरेशन वैल्यू का इसका जस्ट 10. सेकंड केस में जस्ट पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है p. p के रिस्पेक्ट बात करें p के लिए 2 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे लाइक दैट. इन दैट केस जस्ट मैंने परफॉर्म किया करा कॉलिंग realloc फंक्शन. realloc में पास क्या किया मैंने जस्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉक का एड्रेस. और एग्जिस्टिंग ब्लॉक कौन है x, अगर मैं x के एड्रेस को इंक्रीज करना चाहता हूं जैसे इस केस में सप्लाई किया 4. जैसे x के केस में बात करें तो एग्जिस्टिंग साइज क्या x का जस्ट 2 बाइट्स, लेकिन इस realloc फंक्शन के थ्रू एड्रेस ऑफ x के प्लेस पर क्या पास होगा 100. देन 100 वाले ब्लॉक का करंट एड्रेस करंट साइज क्या है जस्ट 2 बाइट्स. तो इसके साथ realloc के थ्रू इसे एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल. रीजन चेक कर सकते हो इसके साथ जो भी आप एड्रेस पास कर रहे एड्रेस या पर्टिकुलर ब्लॉक malloc या calloc के थ्रू क्रिएट हुआ है या फिर डायनामिकली एलोकेट हुआ है क्या नहीं. देन अगर आपने कोई भी मेमोरी स्पेस याद नहीं malloc के थ्रू एलोकेट करा ना ही calloc के थ्रू एलोकेट करा, इस टाइप के ब्लॉक के एड्रेस को कभी भी realloc के थ्रू रीएलोकेट करना पॉसिबल नहीं. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस, क्लियर. इस malloc realloc फंक्शन के थ्रू केवल उसी ब्लॉक के एड्रेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना पॉसिबल व्हिच इज एलोकेटेड बाय आइदर यूजिंग malloc फंक्शन और यूजिंग calloc फंक्शन, क्लियर. नेक्स्ट वन, इस सेशन में जस्ट डिस्कस करना चाहता हूं realloc फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली न्यू ब्लॉक क्रिएट करना पॉसिबल लाइक अ malloc फंक्शंस. इसे सपोज दैट अगर आपके पास इनिशियली कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है फिर भी realloc फंक्शन के थ्रू कंप्लीटली न्यू ब्लॉक एलोकेट कराना पॉसिबल है. हाउ? बाय सप्लाइंग नल एड्रेस. अगर आप realloc फंक्शन में जस्ट फर्स्ट आर्गुमेंट पास क्या करते हैं बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक. अगर आपके पास सपोज दैट कोई भी एग्जिस्टिंग ब्लॉक नहीं है उसके साथ सप्लाई किया कर सकते हो जस्ट नल. अगर आपने बेस एड्रेस नल पास किया इस केस में realloc फंक्शन कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट करेगा. चेक इट, इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सिंपली एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया जस्ट p. p इटसेल्फ क्या लोकल वेरिएबल, तो p का क्रिएट होगा इनसाइड स्टैक. एज्यूम एड्रेस ऑफ p इज 100 मींस p का साइज क्या 2 बाइट्स, लेकिन इनिशियली p में क्या असाइन हुआ नल. नल मींस 0 मींस करंटली p किसी भी रिजर्व्ड लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है. नेक्स्ट वन, डायरेक्टली मैंने इस केस में कॉल क्या किया realloc फंक्शन. realloc में पास किया p, p के प्लेस पर सप्लाई क्या हो जाएगा 0. p के प्लेस पर मींस इस प्लेस पर आप p भी पास कर सकते हो डायरेक्टली, 0 भी पास करना पॉसिबल और नल भी पास करना पॉसिबल. इन तीनों की मीनिंग एग्जैक्टली कैसे सेम, क्योंकि p में भी करंटली क्या स्टोर है नल और नल इज इक्विवेलेंट टू 0. तो p अभी करंटली किसी भी लोकेशन को पास सॉरी पॉइंट नहीं कर रहा. नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में realloc फंक्शन कॉल हुआ realloc सबसे पहले सर्च किया करे एग्जिस्टिंग ब्लॉक, लेकिन realloc में पास किया नल एड्रेस. इसका मतलब आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग ब्लॉक है ही नहीं. इस सिचुएशन में realloc इंटरनली यूज क्या करेगा malloc फंक्शन, क्लियर. और malloc के अंदर जस्ट सप्लाई क्या हो जाएगा सेम आर्गुमेंट. जैसे इस केस में सप्लाई किया गया 2 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट व्हिच इज 4. मींस जो भी आपने इस केस में आर्गुमेंट का पास किया 4, सेम आर्गुमेंट इंटरनली realloc अगेन पास किसके अंदर करेगा इनसाइड malloc, क्लियर. realloc फंक्शन कभी डायरेक्टली न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं करता, पहले चेक करता है गिवन एड्रेस नल तो नहीं. अगर नल फाउंड होता है इंटरनली कॉल किया वो malloc और malloc के थ्रू कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा. प्लस इस न्यू ब्लॉक का साइज क्या है 4 बाइट्स. 4 बाइट का ब्लॉक क्रिएट होने के जस्ट बाद malloc के केस में एलोकेटेड प्लेस का बेस एड्रेस क्या रहता है ऑलवेज सॉरी इन दैट केस malloc के केस में अगर ब्लॉक सक्सेसफुली एलोकेट हुआ है
देन उस केस में रियलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस। सपोज सेट अगर कोई भी ब्लॉक एलोकेट नहीं होता है उस केस में इसे रिटर्न क्या होना चाहिए, नल। अगर मेमोरी स्पेस अवेलेबल है और अगर मैलॉक के थ्रू न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है देन इस प्लेस पर कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या होना चाहिए, एलोकेटेड प्लेस का बेस एड्रेस प्लस ये एड्रेस इंटीरियर में टाइप कास्ट होने के बाद कॉपी किस में जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल पी, पी इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। अगर रियल में इस प्लेस पर कोई भी नॉन जीरो एड्रेस नहीं हुआ था इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं न्यू ब्लॉक एलोकेट हुआ। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रियलॉक फंक्शन, मीन रियलॉक फंक्शन को भी लॉजिकली नल एड्रेस पास करके यूज कर सकते एज अ एक्ट्स लाइक अ मैलॉक फंक्शंस। क्लियर, दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मैलॉक। नेक्स्ट में इस केस में सेकंड केस में जस्ट कंपेरिजन टेस्ट किया है, मीन्स पी के केस में इनिशियली क्या था नल, करेंटली क्या 100 है, रियल में न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है स्पेस पर रिटर्न किया वो नॉन जीरो एड्रेस, इसको कंपेयर किस किया नल से मीन जीरो। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, चांस किसको मिलेगा एल्स ब्लॉक को, एल्स ब्लॉक में जस्ट मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, जस्ट सक्सेस प्लस पी के प्लेस पर क्या डिस्प्ले होगा परसेंट डी के अकॉर्डिंग, पी का वैल्यू क्या 100, तो जो भी एड्रेस एलोकेट हुआ वो एड्रेस आपके लिए डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। क्लियर, इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ एड्रेस, देन इमीडिएटली मैंने कॉल करा लिया फ्री, फ्री में क्या पास हुआ 100, देन ये लोकेशन अगेन कैसे हुआ डी एलोकेट, मीन्स फाइनली इस केस में टेस्ट करना था मीन्स रियलॉक के थ्रू रियल में डायरेक्टली न्यू ब्लॉक एलोकेट करना पॉसिबल है कि नहीं, मीन्स इस टाइप से लॉजिकली क्रिएट कराना पॉसिबल होगा। जबकि एग्जैक्ट केस में बात करें तो रियलॉक का पर्पज क्या रहता है, मीन्स या तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साइज को इंक्रीज कराना या फिर डिक्रीज कराना। जस्ट नेक्स्ट केस में टेस्ट करेंगे इसे, अगर रियलॉक के थ्रू किसी ब्लॉक का साइज आप डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीमेंट किस टाइप से पॉसिबल होगा।